सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के पथक ने कोराड़ी के पॉश इलाके के एक फ्लैट में खेले जा रहे आईपीएल के सट्टे पर रेड कार्रवाई की है। पूरे देश में आईपीएल मैच का खुमार चल रहा है, वहीं मैच पर सट्टा लगाने का काम भी जोरों पर है, मगर नागपुर शहर पुलिस की कार्रवाई से सटोरियों में दहशत निर्माण हो रही है। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने कोराड़ी के एक पॉश कॉलोनी में चल रहे आईपीएल मैच पर सट्टे के अड्डे पर छापा मारा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने विनय तिवारी, अभिजीत मुच्छावाड़, रविंद्र कुमार शर्मा, जी कुमार चौपाल और आशीष दुबे को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी क्रिकेट सट्टा के लिए अवैध ऐप से लोगों से क्रिकेट बैटिंग करते थे। पुलिस ने इस कार्रवाई में 25 मोबाइल फोन, लैपटॉप, वॉइस रिकॉर्डर, 2 टीवी, 3 नेटवर्क बूस्टर, 24 लाइन फोन, सीसीटीवी बॉक्स, प्रिंटर साउंड सिस्टम, 2 दोपहिया वाहन, ऐसे कुल 4,35,600 रुपए का माल जब्त किया है। की कोराडी हद्दी मध्ये एक लेवरेज ग्रीन अपार्टमेंट आहे, त्यामध्ये आतमध्ये एक फ्लॅट मध्ये एक आयपीएल क्रिकेट सट्ट्याचा कारभार सुरू आहे अशा खबरीवरून आम्ही आधी 2 लोक पाठवून आम्ही त्या भागाची लेखी केली, गुप्त माहिती काढली, सदर जागा आम्ही पाहून ठेवली आणि काल संध्याकाळी जवळपास रात्री 8 च्या दरम्यान आम्ही मिळालेल्या खबरीवर सदर लॅव्हरेज ग्रीन अपार्टमेंट आर्य नगर कोराडी इथे 5व्या मजल्यावर हे फ्लॅट होता, ह्या ठिकाणी आम्ही रेड केली। त्या रेडमध्ये आम्हाला एक मोठं क्रिकेटचा आयपीएल सट्टा कारभार सुरू असल्याचं दिसून आला। त्या ठिकाणी एकूण 4 व्यक्ती हे काम करत होते, त्यांच्या जेवण्याखाण्याची व्यवस्था सुद्धा खूप बाजूला एक कूक पण होता। त्या ठिकाणी आम्हाला 3 लॅपटॉप, जवळपास 25 मोबाईल, 2 टीव्ही सेट नंतर कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, बीसीएन न्यूज नागपूर।